लोकसभा चुनाव 2024 दूसरे चरण में 13 लोकसभा क्षेत्रों के लिए होंगे चुनाव। आज नामांकन का रहा आखिरी दिन। 13 लोकसभा क्षेत्रों में कुल 218 प्रत्याशियों के जो यहां पर है नामांकन उन्होंने भरे। 304 नामांकन पत्र टोंक सवाईमाधोपुर से 16 प्रत्याशियों ने भरे हैं, वहीं 20 नामांकन अजमेर से, वहीं 17 प्रत्याशियों ने नामांकन भरे हैं। 23 नामांकन पाली से 17 प्रत्याशियों ने नामांकन भरे हैं। 23 नामांकन जोधपुर से 18 प्रत्याशियों ने नामांकन भरे हैं, वहीं 25 नामांकन बाड़मेर से 20 प्रत्याशियों ने नामांकन भरे हैं, वहीं 30 जालौर से 29 प्रत्याशियों ने नामांकन भरे हैं। 41 नामांकन उदयपुर से 8 प्रत्याशियों ने नामांकन भरे हैं, वहीं 15 नामांकन बांसवाड़ा से 8 प्रत्याशियों ने नामांकन भरे हैं। तो 10 नामांकन चित्तौड़गढ़ से 22 प्रत्याशियों ने नामांकन भरे हैं। 30 नामांकन राजसमंद से तो 13 प्रत्याशियों ने नामांकन भरे हैं। तो वहीं 18 नामांकन भीलवाड़ा से तो 16 प्रत्याशियों ने नामांकन भरे हैं। 26 नामांकन कोटा से 27 प्रत्याशियों ने नामांकन भरे हैं। 31 नामांकन झालावाड़ 12 से तो वहीं 7 प्रत्याशियों ने नामांकन भरे हैं। 12 नामांकन बागीद्वारा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए भी हुए हैं नामांकन। बागीद्वारा में 6 प्रत्याशियों ने किए हैं 6 नामांकन पत्र दाखिल। तो देखिए आज ये नामांकन का आखिरी दिन और इस दौरान आपको अलग अलग जगह से हम बता रहे हैं किस तरह लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर दूसरे चरण में 13 लोकसभा क्षेत्रों के लिए जो चुनाव होने हैं। तो आज उस नामांकन का आखिरी दिन था। लोकेश ओला हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गया है। लोकेश, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि आज आखिरी दिन रहा नामांकन का और अलग अलग जगह से अलग अलग जो नंबर है वो सामने आए हैं, चाहे फिर वो अजमेर से हो, पाली से हो, जोधपुर से हो। देखिए बिल्कुल, लोकसभा चुनाव आज नामांकन दूसरे चरण के नामांकन का आखिरी दिन रहा और नामांकन भी दाखिल किया। जिस तरह से 27 मार्च से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई उसमें अब तक जो कुल 13 लोकसभा क्षेत्रों के लिए जो राजस्थान थे उसे चरण में मतदान होगा, ये आज नामांकन का आखिरी दिन रहा। आखिरी दिन कुल 13 लोकसभा क्षेत्रों की बात करें तो 100 प्रत्याशियों ने 161 नामांकन पत्र दाखिल किए। उपचुनाव हो रहा है बागीदौरा में, वहां पर आज 5 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। जी तारीख तक कुल 218 प्रत्याशियों ने जी। ठीक है लोकेश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हमने ये आपको दिखाया किस तरह बागीद्वारा में अलग अलग यहाँ पर नामांकन किए गए हैं, वहीं जोधपुर, फिर पाली, फिर अजमेर। तो देखिए दूसरे चरण में 13 लोकसभा चुनावों को लेकर यहाँ पर जो है नामांकन किए गए और उसका आज आखिरी दिन था।